राज्य सरकार सिंगापुर की तर्ज पर यूपी को स्वच्छ बनाने की दिशा में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 को जल्द से जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव कराने की तैयारी चल रही है। साफ तौर पर इसके लिए नगर विकास विभाग ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। गाड़ी चलाते समय अगर गुटखा थूका तो 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। शहरों की सफाई के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर बात करें शहरों में जरूरत के आधार पर गीला और सूखा कूड़ा फेंकने के लिए डिब्बे रखवाए गए हैं। इसके साथ साथ घरों व प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े को उठाने के लिए डोर टू डोर कलेक्शन की भी व्यवस्था की गई है। साफ तौर पर जहां देखा जाता था कि गंदगी फैलाने वालों पर अभी तक किसी भी तरह की जुर्माने की राशि स्पष्ट नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में देखा जा रहा है कि अब एक जुर्माने की राशि स्पष्ट की जाएगी। साफ तौर पर ऐसे लोगों पर लगाम भी लगेगी जो रोड पर चलते समय इधर उधर कूड़ा फेंकते थे। साफ तौर पर देखा जा रहा है जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा। उसके बाद साफ तौर पर जो लखनऊ की एक तस्वीर दिखती थी कि कोई भी चलते समय कहीं पर भी कूड़ा फेंक देता था, उस पर एक लगाम लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो जुर्माने की राशि लगाई जा रही है उससे लोगों के अंदर एक डर पैदा होगा। बांदा में एक सराफा व्यवसायी की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा होता है। रास्ते में दो बदमाशों द्वारा उसको गोली मार दी जाती है, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और उसके जो ज्वेलरी है, जो नकदी है, वह दोनों बदमाश लूट ले गए। घटना के बाद जहां गांव में आक्रोश का माहौल है, तो वहीं व्यापारियों में भारी भय देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यह जो वारदात है, यह फतेहगंज थाना क्षेत्र के बघेला बारी गांव के पास की है। जब जितेंद्र सोनी नाम का व्यवसायी अपनी एक दुकान बंद करके अपने घर जा रहा होता, तभी जबरापुर गांव के पास इस व्यवसायी की गोली मारकर दो अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। घटना के बाद उसके जो साथ में ज्वेलरी होती है और नकदी होती है, उसको भी लूट ले जाते हैं यह हमलावर। घटना के बाद जहां पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है, इलाके में भय का माहौल व्याप्त है, तो वहीं व्यवसायियों ने देर रात ही चक्का जाम कर दिया और आला अधिकारियों के आने की मांग करने लगे। घटना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और स्थानीय पुलिस की भूमिका की भी जाँच की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से यह वारदात हुई है, एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई है और उसके बाद हमलावर उसकी ज्वेलरी और रुपए लेकर के फरार हो गए हैं। हालांकि घटना के 15 घंटे बाद ही पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार इलाके में आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है। व्यापारियों में भारी भय का माहौल देखा जा रहा है। देखना ये होगा कि कब तक पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है और इस व्यवसायी के हत्यारों को कब तक पुलिस जेल की सलाखों के पीछे भेजती, ये भी देखने वाली बात होगी। बदायूं में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। थाना कादा चौक क्षेत्र के सकरी कासमपुर गांव में एक पड़ोस का युवक एक महिला के घर में घुस गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। जब महिला ने विरोध किया तो उसे जबरदस्ती एसिड पिलाने लगा। महिला ने जब धक्का मुक्की शुरू हो गई तो फिर पास में रखा चाकू महिला के पेट में भोंक दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर महिला का पति वहां पहुंच गया और उसे तुरंत अस्पताल लेके गया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हाई सेंटर बरेली रेफर कर दिया है। अब बरेली में महिला भर्ती है। बदायूं के थाना कादा चौक के सकरी कासमपुर गांव में एक महिला के घर में एक पड़ोस का रहने वाला युवक सतेंद्र घुस गया और महिला से छेड़छाड़ करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो जबरदस्ती महिला को एसिड पिलाने लगा और हाथापाई शुरू कर दी। पास में रखे एक चाकू को महिला के पेट में घुसेड़ दिया, जिससे महिला घायल हो गई। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर महिला का पति भी वहां आ गया और फिर अस्पताल में लेकर महिला को गया, जहां उसकी हालत को डॉक्टरों ने गंभीर देखते हुए उसे हाई सेंटर बरेली रेफर कर दिया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। फिलहाल महिला की हालत गंभीर है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को जेल भेज रही है। यूपी के शाहजहांपुर में लाइव मर्डर का सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मामूली विवाद के चलते एक भाई ने अपने ही भाई की डंडे से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया। इस दौरान लाइव मर्डर का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस महकमे ने आनन फानन में आरोपी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला पुआया थाना क्षेत्र के तरती बाजार मोहल्ले का है, जहां विनोद का अपने भाई मुकेश से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था।
जिसके बाद विवाद इतना बड़ा, विनोद ने मुकेश के सर पर डंडे से प्रहार कर दिया। इस दौरान मुकेश बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और विनोद ने ताबड़तोड़ डंडे से पीट पीट कर मुकेश की निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया। फिलहाल मुकेश को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन इस दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने भले ही आरोपी हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन लगातार जिले में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वायरल मर्डर वीडियो पूरे जिले में सनसनी पैदा कर रहा है। आखिर जिले में अपराधी कितने बेखौफ हैं? शाहजहाँपुर से कमल शर्मा। यूं तो आपने धोखाधड़ी व जालसाजों की कई कहानियां देखी व सुनी होंगी, लेकिन इन दिनों रायबरेली में आईएएस व पीसीएस के साथ इस तरह की घटनाएं खूब घटित हो रही हैं। हाल ही में पुलिस अधीक्षक को एक नटवरलाल ने फोन पर धमकाया था, जिसको पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं आज फिर रायबरेली के जिला अधिकारी को एक नटवरलाल ने महाधिवक्ता बनकर धमकाने का प्रयास किया है। पुलिस के शिकंजे में आई ये शख्स अपने आप को महाधिवक्ता बताकर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव को फोन पर अदर्भ में लेकर एक मामले में पैरवी कर रहा था। जैसे ही इसकी भनक जिलाधिकारी को लगी, उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। नंबर के आधार पर नटवरलाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए नटवरलाल का असली नाम विजय कुमार है और यह महाराजगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। वही जिस शख्स ने डीएम को फोन किया था, उसकी तलाश में पुलिस ने टीमें लगा दी गई है और आरोपी नटवरलाल को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। इस पूरे मामले में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की माने तो एक नटवरलाल ने जिलाधिकारी के सीयूजी नंबर पर फोन कर अपने आप को महाधिवक्ता लखनऊ बताया और जिलाधिकारी को रौब में ले रहा था। जब जिलाधिकारी को शक हुआ तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल शुरू करी और जिस शख्स की सिफारिश नटवरलाल ने की थी, उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और नटवरलाल की तलाश में पुलिस लग गई है। जिस तरह से इन दिनों रायबरेली में नटवरलालों का जाल काबिज देखने को मिल रहा है, अब वो आईएएस व पीसीएस को निशाना बना रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी नटवरलाल के आकाओं पर पुलिस के हाथ पहुंच पाते हैं नहीं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि रायबरेली में ये नटवरलाल आईएएस व पीसीएस को फोन पर धमकाने का काम कर रहे हैं। तीनों कृषि बिलों के विरोध में सरकार और किसानों के बीच जैसे जैसे तनातनी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों की भी तैयारी जोर पकड़ती जा रही है। इसी के तहत चार दिन पहले मथुरा के नौजील क्षेत्र के मोरकी इंटर कॉलेज में एक महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। इसके बाद आज मथुरा के बलदेव क्षेत्र के अवरेनी चौराहे पर भी एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। मथुरा के बलदेव के अवरेनी चौराहे पर हो रही किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में यहां आए हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और जिस तरह से सरकार ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है उसका जवाब भी दिया जाएगा। इस महापंचायत में रालोद के स्थानीय नेता भी शामिल हुए, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत सहित बड़ी संख्या में किसान नेता और किसान भी शामिल हुए। वहीं मथुरा पहुंचे किसान नेता राजेश चौहान ने कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। वहीं पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि वह उनसे एक कॉल दूर हैं, लेकिन उन्हें उनका नंबर तक नहीं पता। वहीं 26 जनवरी की हिंसा को बीजेपी की साजिश बताते हुए उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू को पहले ही बीजेपी ने लाल किले में बैठा रखा था, क्योंकि वो कहीं भी किसी भी फुटेज में बैरिकेडिंग तोड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। बुलंदशहर के शिकारपुर से हजारों की तादाद में महिला व पुरुष किसान भाई हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारे लगाते हुए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के लिए पैदल यात्रा कर हुए रवाना। तमाम किसान भाइयों का कहना है कि वह शिकारपुर से दिल्ली तक की कुल 100 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करेंगे। यह तस्वीरें बुलंदशहर के शिकारपुर की हैं, जहां से हजारों की तादाद में महिला व पुरुष किसान भाई हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए पदयात्रा कर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के लिए हुए रवाना। किसान नेता मांगेराम त्यागी का कहना है कि वह शांति के साथ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने अपने किसान भाइयों के साथ जा रहे हैं। हमारा हिंसा फैलाना या माहौल को ख़राब करने जैसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारी जंग उस दिन तक जारी रहेगी जब तक सरकार तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं ले लेती है। किसानों की पदयात्रा को देखते हुए बुलंदशहर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया, तो वहीं किसानों का कहना था कि उन्हें दिल्ली के गाजीपुर पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। उनकी यह लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जब तक सरकार काले तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को उस समय बड़ा झटका लग गया जब जिले का बेसिक शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गया, क्योंकि यहां पर शिक्षकों के रिलीविंग के नाम पर 2 से 3 हजार रुपये प्रति शिक्षक की वसूली की गई है।
अंतर जनपदीय स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों से रिलीविंग के नाम पर ब्लॉकों में 2 से 3 हज़ार रुपये की वसूली की गई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस वायरल लिस्ट के होने से बेसिक शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल वसूली किए जाने के इस खुलासे के बाद भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के सरकार के दावे पर भी सवाल खड़ा हो गया। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है और संबंधित ब्लॉक के बीओ से स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा महकमे में भ्रष्टाचार का मामला नया नहीं है। इससे पहले भी तबादले के नाम पर शिक्षकों से रिश्वत लिए जाने का मामला सामने आया था। बीएससी दफ्तर के बाहर एक शिक्षक ने रिश्वत के रुपए उड़ाए थे और अब अंतर जनपदीय स्थानांतरण में रिलीविंग के नाम पर शिक्षकों से वसूली की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वायरल लिस्ट वजीरगंज ब्लॉक की बताई जा रही है और इस लिस्ट में बाकायदा शिक्षकों का नाम, उनके स्कूल और वसूली की गई धनराशि का ब्यौरा दर्ज किया गया है। हालांकि वायरल लिस्ट की गूंज निदेशालय पहुंची और एडी बेसिक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीओ ममता सिंह, प्रधानाध्यापक और लिपिक के खिलाफ FIR के आदेश दिए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि बेसिक शिक्षा विभाग इन भ्रष्टाचारियों पर नकेल किस तरीके से कसता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पीलीभीत में जल निगम द्वारा चलाई जा रही 35 करोड़ की पेयजल योजना पीलीभीत की जनता के लिए मुसीबत का पहाड़ बन गई है। ठेकेदार की मनमानी और लापरवाही के चलते पीलीभीत नगर पालिका क्षेत्र की अधिकांश सड़कें खुदी पड़ी हैं। वहीं आमजनों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लापरवाह ठेकेदार इन सड़कों को दुरुस्त नहीं करा रहा है। अमृत योजना के तहत पीलीभीत शहर की बदहाल पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए 35 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था। इसके तहत पीलीभीत शहर की जर्जर पाइपलाइन को बदलकर उनके स्थान पर नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ था। सालों पहले यह कार्य तो शुरू हो गया, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ठेकेदार की मनमानी कुछ इस कदर हावी नजर आई कि पूरे शहर की जो सड़कें हैं उन्हें खोद तो दिया गया, पर समय रहते इन सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया, जिससे अब लोगों के बीच नगर पालिका परिषद द्वारा कराए जा रहे इस कार्य के ठेकेदार के प्रति लापरवाही देखी जा रही है। आपको बता दें, तमाम गली मोहल्ले ऐसे हैं जहां लोगों को रास्तों से गुजरने के लिए तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी जल निगम का ठेकेदार और जल निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर लापरवाही बरतते हुए साफ देखे जा रहे हैं। जल निगम के ठेकेदार की उदासीनता और अधिकारियों की मनमानी जनता पर इस कदर हावी है कि अब जनता में जल निगम और ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ रोज देखा जा रहा है। लोग तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकांश सड़कें खुदी हुई हैं, जिसके कारण अब जल निगम विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली और उदासीनता पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर लगातार किसानों का गाजीपुर बॉर्डर पर 70 दिनों से आंदोलन चल रहा है। किसानों के समर्थन में अलग अलग पार्टियों के दल भी शामिल होना शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर 26 जनवरी में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से NH-9 पे नोकीले कील और भारी बैरिकेडिंग लगाकर तारबंदी की गई है, जिससे क्योंकि दिल्ली के अंदर ना जा सके। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन को अब तक 70 दिन पूरे हो चुके हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद से जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। दिल्ली के भारी इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है तो किसान बातचीत करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर किसानों का ये भी कहना है कि पहले किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर भी देखने को मिला। उसके बाद किसानों के द्वारा टोल प्लाजाओं को फ्री किया गया और उसके बाद किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाला गया और उसके बाद अब किसानों की तरफ से 6 फरवरी को चक्का जाम का आह्वान किया गया है। अब देखने वाली बात है 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम से कितना असर देखने को मिल पाता है। बहराइच जिले में सड़क हादसे में वृद्ध की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बौड़ी थाने में जमकर हंगामा किया। परिवारजनों का आरोप था कि वृद्ध की
जो हादसे में मौत हुई उसे साजिश के तहत उसे दुर्घटना का शिकार बनाया गया, इसके बाद उसकी मौत हो गई। परिवारजनों ने आरोपित के खिलाफ तहरीर भी दी, लेकिन पुलिस ने मामले में कार्रवाई की जगह टालमटोल किया, इससे परिजन और ग्रामीण भड़क उठे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बौंड़ी इलाके में सड़क हादसे में घायल वृद्ध की मौत से आक्रोशित परिजनों ने बुधवार को थाने में जमकर हंगामा किया। थाना परिसर में शव को रोककर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। परिवारजन का आरोप था कि हादसे के बाद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर छोड़ भी दिया, इस तरह का आरोप परिवारजन लगा रहे थे। गोलागंज के रहने वाले जंग बहादुर सिंह बाढ़वा कटान पीड़ित थे। घरेलू सामान लाने के लिए वे बौली से समगड़ा जा रहे थे। साई गांव गुजौली के पास तेज रफ्तार बाइक सवार लोगों ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हुए थे, इसके बाद उन्हें इलाज के लिए CHC ले जाया गया था। CHC से चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया था, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत चिंताजनक देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया था। इलाज के दौरान मंगलवार देर रात उनकी मौत के बाद परिवारजन आक्रोशित हो गए। बुधवार को जैसे ही मृतक का शव घर पहुंचा, इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने थाने पर ले जाकर शव को रख दिया और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के प्रदर्शन की जानकारी पाकर CO कमलेश सिंह कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ CO ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, इसके बाद ग्रामीण जाकर शांत हुए और परिवारजन मृतक के अंतिम संस्कार को राजी हुए। मृतक का शव जैसे ही गांव पहुंचा, वैसे ही आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को ले जाकर थाने में रख दिया और हंगामा करना शुरू किया। ग्रामीणों और परिवारजनों का आरोप था कि दुर्घटना के बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस पूरे मामले को दबाए बैठी रही। घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स और CO कमलेश सिंह मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित ग्रामीणों को CO ने किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरठ में 200 करोड़ के फर्जी GST बिल बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। ऐसा चल रहा था बड़ा खेल। CGST मेरठ की टीम ने GST के फर्जी इनवॉइस तैयार कर फर्जीवाड़ा करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी विकास जैन गाजियाबाद का रहने वाला है। आरोपी ने 30 से ज्यादा ऐसी फर्में बनाई हुई थी जो रेजिडेंशियल एरिया में थी, लेकिन वास्तव में फर्म ही नहीं थी, वहाँ लोग रह रहे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मेरठ कोर्ट में पेश किया है। CGST के अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी मूल रूप से मवाना का रहने वाला है। इसकी फर्म शिवाया, सरदना, जागृति विहार और रोहासा आदि में बताई गई है। GST की भाषा में इन्हें टैक्सी फर्म कहा जाता है। यह सरिया और सीमेंट कारोबारी है। आरोपी ने फर्जी इनवॉइस तैयार की थी। आरोपी ने के पास से करीब 42 करोड़ रुपए की GST चोरी का मामला का खुलासा हुआ है। अब देखने वाली बातें होगी, पुलिस इस तरीके से जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उन पर कब तक लगाम लगा पाएगी।